जैसा कि मैं यहाँ पे हैप्पी गोल्डन हैन एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा हैप्पी गोल्डन हैन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और अभी आप लोग देखेंगे तो मेरे वॉलेट में 109 रुपये है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे वॉलेट में 109 रुपये है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि मुझे KYC करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा क्या इन्हें KYC करवाना चाहिए इन एप्लीकेशन में या नहीं करवाना चाहिए, इसे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हैप्पी गोल्डन हैन में KYC करवाए या नहीं करवाए। अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल हैं, ऐसे डाउट हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं हैप्पी गोल्डन हैन एप्लीकेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा बात यहाँ पर आ जाता है कि आप लोग का सबसे ज़्यादा 100 रुपये ही रहता है हैप्पी गोल्डन हैन में और यहाँ पे आपको KYC करने को बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 100 रुपये के लिए, जी हाँ, बस 100 रुपये के लिए यहाँ पे देखिए KYC में आपसे पैन कार्ड मांगा जा रहा है। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे पैन कार्ड में यहाँ पे देखिए आपको KYC करवाने के लिए यहाँ पे देखिए पैन कार्ड मांगा जा रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ओके करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए टाइप्स में देख सकते हैं यहाँ पे पैन कार्ड या आधार कार्ड मांगा जा रहा है, जो कि मैं आपको बता दूँ कि बस 100 रुपये के लिए मैं इस कंपनी को पैन कार्ड क्यों दूंगा। जी हाँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड का नंबर नहीं मांग रहा है, यहाँ पे देखिए फ्रंट फोटो यानी आपका पैन कार्ड का फोटो भी मांग रहा है, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग बस 100 रुपये के लिए अपना खुद का पैन कार्ड या आधार कार्ड किसी भी एप्लीकेशन को देने का क्या ज़रूरत है। 100 रुपये कोई भी भाई कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, 100 रुपये बस छोटा अमाउंट होता है, जो कि 100 रुपये के लिए आप कोई भी कंपनी को आधार कार्ड या पैन कार्ड देने से कोई भी फायदा नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा कि 100 रुपये के लिए आप पैन कार्ड ना ही दो तो अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें कि आपको कोई भी KYC कराने का झंझट नहीं होता, टेंशन नहीं होता, कहीं भी आपको KYC करने की ज़रूरत नहीं होता। आपको इसमें करना सिर्फ यही रहता है कि आपको पैसे को अर्न करना है और अपने पैसे को पेटीएम अकाउंट में विड्रॉ करना है, और कोई KYC का टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। और ये सब एप्लीकेशन आपको बस 100 रुपये के लिए, आपको 10 रुपये के लिए, आपके 50 रुपये के लिए आपसे यहाँ पे पैन कार्ड मांग लिया जाता है, आपका आधार कार्ड मांग लिया जाता है, आपका वोटर आईडी कार्ड मांग लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, आप ऐसा ही एप्लीकेशन मतलब यूज कीजिए जिसमें कि आप लोग को पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं लिया जाता हो। तो मैं आप लोग को ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें आपको KYC कराने की कोई भी टेंशन नहीं होता है, कोई भी झंझट नहीं होता है। सिर्फ आपको करना क्या कि आपको पैसे को अर्न करना है, रेफर करके पैसा को अर्न करना है और आप उस पैसा को अपने पेटीएम अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी झंझट नहीं। मैं आप लोग को 2-3 वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के नीचे में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें कि आप लोग को कोई भी KYC करने की ज़रूरत नहीं होता है और आप लोग उससे पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि मैं भी बहुत ज़्यादा अर्न करता हूँ। हर महीने में भी 5 से 10 हज़ार रुपये अर्न करता हूँ, तो आप लोग भी उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। जाइए और मेरे वीडियो के नीचे लिंक है, आप लोग उस वीडियो को देखकर पैसा कमाइए, जो कि इस सब एप्लीकेशन को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं दे तो अच्छा है। क्योंकि मैं तो बोलूँगा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर बिल्कुल भी KYC नहीं कराए। अब आगे आपका राय जरूर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं, क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला। तो आप लोग हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं क्या मैंने आपको यहाँ पे जो सलाह दिया क्या सही है या नहीं है। तो अपना राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक करें और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ कि हर वीडियो में कि आप इस वीडियो को शेयर करना, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपने सभी दोस्तों के साथ, अभी सभी भाइयों के साथ शेयर करें। और चैनल पे नए हैं पहली या विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार और हेल्पफुल वीडियो और साथ ही अर्निंग ऐप लेकर आते रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते इसी अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।